Hello everyone. Now today we will start lesson 8, Jesus Christ. Jesus Christ ईसा मसीह के गुरु थे, अनुयायी थे। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। मरियम उनकी माता का नाम था और जोसेफ कौन थे, इनके पिताजी का नाम था। जब ईसा मसीह थे हमारे, उनका जन्म जब हुआ था, जब समाज में बहुत अधिक अंधविश्वास चल रहे थे, लोग अंधविश्वासों पर विश्वास कर रहे थे और जो लोग उनको अंधविश्वास पर जागरूक नहीं थे कि अंधविश्वास क्या होता है, उनके बारे में कुछ नहीं पता था। और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उन्होंने अंधविश्वास को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन जो कुछ लोग थे वो इसके विरोध में थे। देखिए लेसन 8 हमारा है जीसस क्रिस्ट। One day Jesus Christ came to the Sea of Galilee। मतलब यदि Jesus Christ कहाँ गए थे, समुद्र के किनारे पर गए थे, किनारे के पास। He climbed on top of hill। वे कहाँ पे चढ़ गए थे, पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए थे। After some time, कुछ समय के बाद, a crowd of people gathered to see it। कुछ समय के बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई उनको देखने के लिए। They brought lame people, blind deaf and dumb people with them। और जब वे वहां पर आए तो अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे, कुछ लोगों को लेकर आए थे जो थे अंधे थे और गूंगे थे और बहरे थे। वो लोग वहां पर आए थे, लेकिन सरप्राइज जब हुआ जब वो लोग वहां से ठीक होकर चले गए। और जो भी वहां पर लोग आए थे वो वहां पर सब ठीक हो गए थे। The deaf man could hear clearly। जो अंधे व्यक्ति थे, जो अंधे थे वो आराम से देख सकते थे। जो गूंगे थे वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और जो बहरे थे उनको साफ साफ सुनाई दे रहा था। deaf मतलब बहरा। They all get well। वे सभी क्या हो गए थे, ठीक होकर वहां से चले गए थे। They stayed there for 3 days। वे वहां पर 3 दिन रुके थे। They were hungry। वे क्या थे, भूखे थे। जो लोग वहां पर आए थे वो सब क्या थे, भूखे थे। Jesus looked up in the sky। तब एक जीसस कहते हैं तो इनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तो उनका जो शिष्य होता है वो कहता है कि हमारे पास सिर्फ 7 रोटियां हैं, उतनी रोटियां इन लोगों के लिए हम कहाँ से लेकर आए। तो जीसस क्रिस्ट है वो कहाँ पे देखते हैं, जीसस लुक अप इन द स्काई, वो आकाश को देखते हैं। एंड सेड और कहते हैं थैंक यू फादर। जब वो कहते हैं कि मेरे पास रोटियां और सब्जी और मछली नहीं है खाने के लिए, तो जो जीसस क्रिस्ट है वो ऊपर भगवान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु इनके लोगों के लिए खाने के कुछ बंदोबस्त करें या इन लोगों को खाना दो। तभी चमत्कार होता है कि उन्हें उनको भरपेट खाना मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो जीसस क्रिस्ट जब ऊपर स्काई को देखते हैं, आसमान देखते हैं और कहते हैं थैंक यू गॉड, ईश्वर आपका धन्यवाद। फादर सेड कहते हैं ऑल द पीपल्स शाउटेड विद जॉय। और जब लोगों का पेट भर जाता है अच्छे से और जब उनका उनमें शक्ति आती है तब लोग बहुत खुशी होते हैं, खुशी कारण चिल्लाते हैं विक्ट्री ऑफ जीसस, जीसस की जय हो। विक्ट्री टू क्रिस्ट, क्रिस्ट की जय हो। He forgives his first, कि वो हमारे सारे पाप माफ कर देते हैं। He is the son of God, वो किसके बेटे हैं, भगवान के बेटे हैं। और जीसस क्रिस्ट ने लोग दुनिया में से अंधविश्वास को दूर किया था। उन्होंने लोगों की भावना भगवान में आए, ना कि अंधविश्वासों में आए, कि लोग अंधविश्वास से दूर होके भगवान पर विश्वास करना शुरू करें। तो फ्रेंड्स चैप्टर में इतना ही था कि कैसे जीसस क्रिस्ट ने लोगों की सहायता की थी, कि कैसे अंधे बहरे लोग अंधे लोग आए थे वो सब ठीक होकर वहां पे चले गए थे। नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।